दोस्तों अंजुदी का एक मैसेज मेरे पास आया है, तो चलिए अंजुदी 32,127 एमएम बहनों को मैसेज के माध्यम से क्या अपडेट की है इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी एनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं या वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं अंजुदी मैसेज के माध्यम से क्या अपडेट की है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों स्क्रीन पर एक मैसेज देख रहे हैं, फैली अंजुदी का मैसेज आ चुका है, तो चलिए 32,127 एनएम बहनों को अंजुदी मैसेज के माध्यम से क्या अपडेट की है इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, मेरे भाई बहन और गार्जियन नमस्कार, मुझे एक बात बताना है। पप्पू भाई के कारण ही हमारे ग्रुप में बहुत सारे प्रेशर जुड़े हैं, उसमें एक सत्येंद्र जी भी है जो 12,500 सहयोग राशि किए हैं। पप्पू भाई के कारण अच्छा सहयोग राशि आ रहा है, तो कैसे गुणगान न करूं। इस केस के पप्पू भाई का बहुत साथ रहा है, उनके जीवा पर सुसती वास करते हैं। शुरू से ही बोलते थे केस जीतेंगे और जीत गए, फिर बोल रहे हैं हम लोगों को नौकरी होगी, सुप्रीम कोर्ट जीत के तो होगी ही। थैंक यू पप्पू भाई, आप भी खुश रहिए, बड़ी बहन का आशीर्वाद है आपके साथ। आप शुरू से साथ दे रहे हैं, चाहे पंकज के माध्यम से या सुरजी जी के माध्यम से, बहुत पप्पू भाई का भी साथ और सहयोग है इस केस में। धन्यवाद अंजू मीडिया प्रभारी, जो कि 9:13 में ये मैसेज मेरे पास आया था। और देख लीजिए अंजू दी ये मैसेज लिखी है, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, जो सिंगल मैच में भी जो केस 100% जीतेंगे तो जीते, डबल मैच में भी बोले 100% केस जीतेंगे तो जीते, और अभी बोल रहे हैं 100% सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे तो 100% जीतेंगे, ऐसा नहीं है वैसा ही बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अंजू दी को ऐसा लगा, इसलिए अंजू दी ये मैसेज लिखे, ठीक है। तो ये बड़ी बहन अंजू दी को हम मानते हैं, आपको ही पता होना चाहिए, और अंजू दी भी यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ, थैंक यू पप्पू भाई, आप भी खुश रहिए, बड़ी बहन का आशीर्वाद, क्योंकि अंजू दी को हम बड़ी बहन मानते हैं, और वैसे भी 32,127 एनएम बहन तो हमारी बहन ही है और सबसे छोटा इकलौता भाई हम हैं। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब के बारे में भी हमारी बहन लिखी है, अंजू दी लिखी है, ये हमारे डॉक्टर साहब है सत्येंद्र शर्मा जी, जो नाइट में और डे में 12 बजे लाइव मेरे साथ जुड़ते हैं, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नाम पे 12,500 सहयोग राशि की है, और आगे पर डे लाइव में आते हैं और डॉक्टर साहब पर डे बोलते हैं सर हमसे जितना हो पाएगा और भी हम सहयोग करेंगे, बस आप ही के बदौलत हम जो है सुरजीत सर को सहयोग कर रहे हैं। तो देख लिए दोस्तों, हमारे डॉक्टर साहब ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट के नाम पे 12,500 सुरजीत सर को सपोर्ट किए, तो इसीलिए हमारी अंजू दी डॉक्टर साहब को इसमें मेंशन किए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लिए अंजू दी मैसेज के माध्यम से 32,127 अन्य बहनों को क्या अपडेट किए हैं। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, सिंगल मैच में सभी उम्मीद खो चुकी थी, सभी एनएम बहन 32,000 एनएम बहन उम्मीद खो चुकी थी, हम बोले थे 100% जीत होगी और हुआ। डबल मैच में भी सबको स्थिति इतना खराब हो गया था, जो बोल रहे थे जो पीके साई सर केस लड़ रहे हैं आयोग के तरफ से, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, सुरजीत सर है ना, हम लोग को 100% यहाँ जीत मिलेगी, और डबल मैच में भी जीत मिली, और आज फिर से हम बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी 100% जीत मिलेगी। आज का डेट, आज का दिन और अभी का समय आप नोट कर लीजिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलेगी उस दिन इस पेज को आप पलटिएगा, तब समझ में आ जाएगा जब पप्पू भाई शुरू से और अभी तक सही बोले हैं, एक बात भी पप्पू भाई गलत नहीं हुआ। आज का डेट, अभी का समय और आज का जो है दिन आप नोट कर लीजिए अभी का, और जिस दिन जीत होगी ना उसी दिन इस पेज को पलटिएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा। और हमारे डॉक्टर साहब सत्येंद्र शर्मा जी को दिल से धन्यवाद, जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नाम पे 12,500 अभी तक सहयोग राशि दे चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से,
और अभी भी डॉक्टर साहब बोलते हैं सर अभी भी हमसे जितना हो पाएगा और भी हम सहयोग राशि करेंगे। तो इसीलिए अंजू दी डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी का भी नाम लिए, इसलिए सभी लोग सर का स्कैनर लगा दिए, सर का नंबर लगा दिए, सभी लोग सुजीत सर को सपोर्ट कीजिए 100% बोले ना सुप्रीम कोर्ट में भी जीत मिलेगी। और 32,127 एनएम बहनों को काउंसलिंग करवा के जिसमें 10,709 पोस्ट के जॉब दिलवाना, ये मेरा काम है, सुजीत सर का काम है, अंजुदी का काम है, 100% 10,709 का जॉब हो। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना, ठीक है, सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचना है और सुरजीत सर को सपोर्ट करना। जैसे सुरजीत सर को आप लोग सपोर्ट किए, 7,50,000 आप लोग सहयोग राशि दिए जो सुरजीत सर वकील साहब को दे चुके हैं, अब 3,50,000 भी आप लोग सहयोग राशि दे दीजिए ताकि वकील साहब को दे देंगे और वकील साहब भी अपना 100% केस जीतने में एफर्ट लगाएंगे और सब लोग मिल के केस फिर से जीतेंगे। इसीलिए सभी लोग को कहते हैं आंख मूंद के सुजीत सर को सपोर्ट करना, हम लोग पर आप लोग आंख मूंद के जो विश्वास किए हैं इस विश्वास पर हम लोग खड़े उतरेंगे, सिंगल मैच में उतरे, डबल मैच में भी खड़े उतरे और आज सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग खड़े उतरेंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बोलने वाले ऐसे ही बोलते रह जाएंगे, ठीक है, और करने वाले करके निकल जाएंगे, वही बात हम लोग करने वाले हैं, हम लोग बोलते नहीं करके दिखाते। इसलिए थोड़ा सा भी आपको हिचक नहीं होना चाहिए सुजीत सर को सपोर्ट करने के लिए, सर का स्कैनर सर का नंबर लगा दिए, दिल खोल के सर को ठीक है सपोर्ट कीजिए, बाकी हम लोग साथ में, डरने की आवश्यकता नहीं। ये पप्पू भाई बोल दिए जान जाए पर बचन नहीं जाए, जब तक 10,709 को जॉब दिला नहीं देते तब तक चैन से नहीं बैठे, ठीक है, और पूरा एक्साइटेड खुशी होती है जो आप लोग हम लोग को बात मानते हैं और सुजीत सर को सपोर्ट करते हैं और अभी तक जो है सपोर्ट करते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँचे, खुशी होती है। और आज तो पूरा खुशी है जो अंजुदी की बड़ी जो है बहन हम मानते हैं और अंजुदी भी छोटा भाई हमें मानती है, समझे कि नहीं, ये भाई बहन का प्यार है, 32,000 भाई बहन का प्यार है, समझे, तो भाई बहन के प्यार में कभी दरार आता हमको ये बताए, इसीलिए आप लोग दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और विशेष बातें हम लोग नाइट में आते हैं तो बात करेंगे, जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 32,127 एनएम बहनों के पास ये मैसेज पहुँचे, ये वीडियो लोग देखें और सुजीत सर को सपोर्ट करें। थैंक यू।